नागरिकता कानून NPR पर PFI की साजिश का खुलासा। PFI ने 5000 जगहों पर प्रदर्शन की रची थी साजिश। PFI पर खुफिया एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट। बिहार के पटना के सलीमपुर एहरा में ब्लास्ट, बम फटने की आशंका। घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह भैया जी जोशी ने RSS की एक बैठक के दौरान कहा कि अगर किसी को देश में काम करना है तो उसे हिंदुओं के सशक्तिकरण के लिए काम करना होगा। नागरिकता कानून और NRC पर ओवैसी का विवादित बयान, कहा भारत में रहूंगा लेकिन कागज दिखाने को कहेंगे तो सीने पर गोली मारने को कहूंगा। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया ने AMU में कहा देश में दम घुटने लगा है। BJP सांसद सतीश गौतम ने दी सलाह, आजादी की कमी महसूस होती हो तो चली जाएं पाकिस्तान। उत्तर प्रदेश के कानपुर के चमनगंज इलाके में CA के विरोध में चल रहे धरना प्रदर्शन को खत्म कराने पहुंची पुलिस और प्रदर्शनकारी आए आमने सामने, पुलिस ने धरना स्थल को खाली कराया। गोवा और दमन के आर्च बिशप फादर फिलिप नेरी फेराओ ने केंद्र सरकार से बिना शर्त CAA, NRC और NPR वापस लेने की अपील की। आर्च बिशप ने विरोध की आवाजों को भी नहीं दबाने को कहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज में सातवें आसमान पर छात्राओं का गुस्सा, कॉलेज फेस्ट में घुसकर छेड़खानी करने का आरोप, महिला आयोग ने लिया संज्ञान। कोलकाता बुक फेयर के आखिरी दिन विश्व हिंदू परिषद के स्टॉल के सामने पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प। कार्यकर्ताओं के मुताबिक भगवत गीता और हनुमान चालीसा बांटने पर पुलिस ने रोका, स्टॉल के अंदर ही बेचने को कहा गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे कल सुबह 8 बजे से 21 केंद्रों पर होगी वोटों की गिनती। 8 तारीख को हुई थी वोटिंग। दिल्ली विधानसभा नतीजों से पहले ही EVM पर राजनीति शुरू, आपको EVM से छेड़छाड़ की आशंका, आंकड़े जारी होने में देरी पर केजरीवाल ने उठाए सवाल। दिल्ली में वोटिंग के आंकड़ों पर देरी के आरोप पर चुनाव आयोग का जवाब, कहा देर रात तक जुटाए गए आंकड़े, दिल्ली में हुई करीब 63% वोटिंग। बिहार के गया दौरे पर श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे महाबोधि मंदिर में करेंगे पूजा, एक दिनी दौरे के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ओडिशा में गंजम जिले में बिजली के तार की चपेट में आने से बस में लगी आग, हादसे में 8 से ज्यादा की मौत जबकि कई लोग हुए घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी दौरा, सुल्तानपुर में भी लेंगे विकास कार्यों का जायजा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद और समस्याओं के तुरंत समाधान के आदेश दिए। गोरखपुर को योगी सरकार ने दी करीब 5.5 अरब रुपए की विकास योजनाओं की सौगात, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की क्षमता होगी दुगनी, फर्टिलाइजर कारखाना भी 2020 के आखिर तक होगा तैयार। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल अयोध्या में करेंगी रामलला के दर्शन, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में भी करेंगी दर्शन। अर्थव्यवस्था में मंदी को लेकर BJP सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का अजीबोगरीब बयान, कहा अगर आर्थिक मोर्चे पर होती सुस्ती तो कोट जैकेट नहीं कुर्ता धोती पहनते लोग। उत्तर प्रदेश के बहमई नरसंहार मामले की सुनवाई आज, पिछली सुनवाई पर पुलिस नहीं पेश कर पाई थी केस डायरी, कोर्ट से मांगा था 10 दिन का वक्त। SP नेता आजम खान के भारतीय फौज के बारे में विवादित टिप्पणी करने के मामले में सुनवाई आज, रामपुर में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में आज फाइनल सुनवाई, राज्य सरकार और अभ्यर्थियों की विशेष याचिकाओं पर लखनऊ बेंच में होगी सुनवाई। उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत आज करेंगे कुंभ के कामों की समीक्षा, प्रशासन के तमाम आला अधिकारी रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ में आज अस्तित्व में आएगा 28वां जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही, CM भूपेश बघेल करेंगे औपचारिक उद्घाटन, समारोह के लिए तैयार किया गया वाटरप्रूफ डोम। छत्तीसगढ़ सरकार की किराए पर हेलीकॉप्टर लेने की तैयारी, सरकारी हेलीकॉप्टर में आ रही दिक्कतों की वजह से उड़ान की इजाजत नहीं, पहले की टेंडर शर्तों के आधार पर ही किया जाएगा करार। मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी, बदले जाएंगे कई जिलों के कलेक्टर और कुछ विभागों के प्रमुख सचिव, M गोपाल रेड्डी बन सकते हैं MP के नए मुख्य सचिव। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में अवैध खनन के खिलाफ कंप्यूटर बाबा का अभियान, प्रशासन की टीम के साथ जासलपुर घाट पर मारा छापा, 3 ट्रॉली 1 हाइवा और 1 लोडर जब्त। मध्य प्रदेश के धार मॉब लिंचिंग केस में 5 और आरोपी गिरफ्तार, वीडियो फुटेज के आधार पर अब तक कुल 13 गिरफ्तारी, SP ने 2 दिन में मांगी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा आयोजन, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होंगे बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, स्वास्थ्य मंत्री करेंगे बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों का सम्मान।
मध्य प्रदेश के भोपाल के शाहजहानी पार्क में अतिथि विद्वानों का धरना 63वें दिन भी जारी। अभी तक पूरी नहीं हुई नियमितीकरण की मांग। प्रदर्शनकारियों ने कहा, जब तक पूरी नहीं होंगी मांगे तब तक जारी रहेगा प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में हेलमेट की अनिवार्यता से महिलाओं को छूट दिए जाने के मामले में एमपी हाईकोर्ट में सुनवाई आज। राज्य सरकार आज दाखिल करेगी जवाब। कोर्ट में दायर याचिका में एमपी मोटर व्हीकल रूल्स 1994 में परिवर्तन की मांग। मध्य प्रदेश के सतना की उमेश साहनी लगातार कई सालों से निर्धन बच्चियों को पढ़ाकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने में लगे हैं। उन्हें बहुत गर्व होता है जब वे अपनी इन बच्चियों को इस तरह से आगे बढ़ते और आत्मनिर्भर होते देखते हैं। बिहार के खगड़िया ट्रिपल मर्डर केस में मुखिया बुलबुल देवी गिरफ्तार। 43 नामजद और 40 अज्ञात लोगों पर मामले में दर्ज है FIR। दिल्ली की तर्ज पर रांची के लोगों को भी मुफ्त बिजली देने की पहल। GMM के निश्चय पत्र में 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का था जिक्र। सरकार की पहल पर विपक्ष ने साधा निशाना। राजस्थान के सपूत शहीद राजीव सिंह शेखावत को आज उनके पैतृक गांव विराटनगर में अंतिम विदाई। 8 फरवरी को दुश्मनों से लोहा लेते हुए थे शहीद। राजस्थान में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 36 IPS अधिकारियों के साथ 7 IAS के भी ट्रांसफर। राजस्थान के जयपुर में लो फ्लोर बस सेवा की चलो ऐप की हुई लॉन्चिंग। UDH मंत्री शांति धारीवाल ने लॉन्च की ऐप। स्मार्ट ट्रांसपोर्ट मुहैया करवाने की ओर नई पहल। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑपरेशन ट्रांस चलाकर भारत के पहले डार्क नेट ड्रग्स सिंडिकेट के सबसे बड़े खिलाड़ी को पकड़ा। ड्रग्स सिंडिकेट के ऐसे सिंडिकेट का खुलासा जिसके तार देशी नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों से जुड़े थे। पंजाब सरकार ने राज्य में बैन की फिल्म शूटर। प्रोड्यूसर पर केस हुआ दर्ज। हिंसा और अपराध को बढ़ावा देने का लगाया गया आरोप। पंजाब के अमृतसर में राम तीर्थ मंदिर में शराब के गाने पर टिकटॉक बनाने को लेकर FIR। युवक युवती पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार रजनीकांत पूर्ण रूप से राजनीति में आएंगे। 14 अप्रैल के बाद रजनीकांत कर सकते हैं अपनी पार्टी का ऐलान। तमिलनाडु के CM पलानी सामी ने तंजावुर, तिरुवानूर, नागापट्टनम और कावेरी क्षेत्र के जिलों को कृषि जोन किया घोषित। अब केंद्र सरकार इन क्षेत्र में राज्य सरकार की इजाजत के बिना हाइड्रोकार्बन परियोजनाओं को नहीं कर पाएगी लागू। बजट में राजधानी तिरुवनंतपुरम के विकास की अनदेखी करने के BJP के आरोपों को केरल सरकार ने किया खारिज। पर्यटन मंत्री कदकमपल्ली सुरेंद्रन ने कहा, नए बजट में भी शहर के विकास के लिए दिए गए 1,696 करोड़ रुपए। तेलंगाना के शमशाबाद एयरपोर्ट से कस्टम विभाग ने 2.5 किलो सोने के साथ 4 महिलाओं को किया गिरफ्तार। सभी महिलाएं जेद्दा से आई थी भारत। हैदराबाद के चिलकलगुड़ थाना क्षेत्र में एक घर के सिलेंडर में हुआ धमाका। विस्फोट के बाद गिरी घर की छत। हादसे में 4 बेटियों समेत दंपति घायल। केरल के कोची में 22वें अंतर्राष्ट्रीय सी फूड शो का आयोजन। केरल सरकार में मंत्री जे मर्क्यूटी अम्मा ने किया संबोधित। हजारों लोग हुए शामिल। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए चेन्नई में बिरयानी दुकानदार ने दिया अनोखा ऑफर। एक प्लेट बिरयानी पर दूसरी प्लेट बिरयानी फ्री खरीदने के लिए जुट रहे हैं सैकड़ों लोग। सरकार स्टील अथॉरिटी में 5% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। इसके जरिए सरकारी खजाने को 1,000 करोड़ की रकम मिल सकती है। सेल में सरकार की हिस्सेदारी फिलहाल 75% की है।